नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, परिचय उनका करा देते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और GCL के अमित खरे हमारे साथ हैं। अनुज जी और अमित जी दोनों का स्वागत है आज के शो में। और सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं क्योंकि कीमतों में लगातार कमजोरी बनी हुई है। हमने जैसे देखा ग्लोबल मार्केट में जो भाव है दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, और घरेलू बाजार की जो बात करें तो कीमत जो है वो 55,400 के नीचे ट्रेड हो रही है। इसी महीने में हमने ऊंचाई से जो दाम है वो करीब 3,500 रुपए सस्ते होते हुए देखे हैं गोल्ड के, और मतलब कुल मिलाकर जो ग्लोबल मार्केट में दाम करीब 8% तक टूटे हैं। और डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी मजबूती है, 7 हफ्ते की ऊंचाई पर 105 के पार निकल गया है। ये एक बड़ी वजह है सोने की चाल और सोने के दाम में गिरावट के पीछे। तो दो महीने के निचले स्तर पर सोना पहुंच गया है अनुज जी, फरवरी महीना भी खत्म हो गया है, लगभग पूरे महीने हमने सोने की कीमतों में कमजोरी आते हुए देखी है, दाम करीब करीब 6% तक टूट गए हैं। तो क्या मार्च में हम ये जो ट्रेंड है रिवर्स होता हुआ गोल्ड की कीमतों में देख पाएंगे, आपको लगता है ऐसा? स्वाति जी गुड इवनिंग। देखिए जैसा कि हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो वीक रह सकता है, तो उसी ट्रेंड में प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अगर हम इसको फिजिकल मार्केट से देखें तो फिजिकल मार्केट में जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम यहाँ पर होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने भावों में प्रेशर देखा है। हालांकि दूसरी तरफ जो डॉलर इंडेक्स है वो अब 104 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में हमने गिरावट आते हुए देखी। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड थोड़ा सा लेविड रहेगा और भावों में थोड़ी बहुत गिरावट हम यहाँ पर और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट अभी गोल्ड देखें तो करीबन $1,811 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि $1,800 और 1790 काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में 55,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। बट फिलहाल जिस तरह का सेंटीमेंट बना है यहाँ पर हमें लगता है कि वीकनेस का ट्रेंड रहेगा। तो स्ट्रेटेजी वाइज गोल्ड हमें लगता है करीबन 55,500 के आसपास बिकवाली करें, 55,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 55,100 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने कंटिन्यूस गिरावट आते हुए देखी है। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $21 को मार्केट ब्रेक करेगा, वैसे ही ब्रेक किया है और एक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ भाव आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, यहाँ पर भी सलन राइज का मार्केट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बुलियन साइड की बात करें तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से वीकनेस के हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी भी हमें लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, मगर शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली की सलाह गोल्ड और सिल्वर में। ओके, तो बिकवाली की सलाह गोल्ड और सिल्वर में अनुज जी देखते हैं। वहीं अमित जी आपकी राय में इंट्राडे में अगर सोने में किसी को ट्रेड लेना है तो फिलहाल अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ऐसे माहौल में? जी सर जी, मेरे को लगता है कि प्राइजेस जो है ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हो चुके हैं, लगभग 3500 पॉइंट के आसपास का करेक्शन प्राइजेस में ऊपरी स्तरों से देखने को मिला है। इंट्राडे के लिए अगर मैं बात करूँ तो 3300 के आसपास अगर ये गोल्ड मिलता है अप्रैल वाला तो इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ से एक अच्छा बाउंस कीमतों में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स में मेरे को लगता है 105.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो उसमें वहां से एक बार एक करेक्शन देखने को मिलेगा तो उसका इन्वर्स रिलेशन जो है हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। 55,300 के आसपास अप्रैल वाला गोल्ड करीब 1,800 रुपए का टारगेट है और नीचे में 55,000 के नीचे का एक स्टॉप होती है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट चांदी में देखें तो ज्यादा जो गिरावट है वो चांदी में नजर आई है हमें, क्योंकि इसी महीने दाम 10,000 से ज्यादा टूटे हैं जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है, और तीन महीने के निचले स्तर पर हमने ग्लोबल मार्केट में जो भाव आते देखे हैं। MCX पर ही देखें तो दाम आज 63,000 के नीचे आए, ग्लोबल मार्केट में इस महीने जो दाम है करीब 13% तक टूट गए हैं। अनुज जी ये हम समझना चाहेंगे आपसे, जो इतनी बड़ी गिरावट हमने चांदी में देखी है खास तौर पर, ये सेंटिमेंट बिगड़ने के पीछे क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं? देखिए स्वाति जी, इसके पीछे सेंटिमेंट जो है वो डिमांड का काफ़ी रोल प्ले किया है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बेस मेटल से, क्योंकि जो सिल्वर है वो एक बेस मेटल का भी रोल प्ले करती है, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो इम्पैक्ट रही है और उसकी वजह से हमने देखा है कि सिल्वर के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बेस मेटल से, कॉपर या एल्युमिनियम से, तो वहाँ भी हमने कंटिन्यूस गिरावट का ट्रेंड बनते हुए देखा है। तो अगर आप देखेंगे सिल्वर ना जहाँ इस साल
करीबन 72,770 के आसपास का हाई बनाया था, अभी हम देखें तो करीबन 63,000 है। इवन अपने हाई से करीबन हम देखें तो 10,000 रुपये करेक्ट हो चुका है, और अभी करीबन 8% से ज़्यादा की गिरावट हम सिल्वर में देख रहे हैं 2023 के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो एक सेंटिमेंट जो नेगेटिव हुआ है वो एक हायर लेवल पर जो डिमांड है वो कम होने की वजह से है। और जनरली हम देखते हैं कि 72-73,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी देखने को मिला। फिजिकल जो डिमांड थी वो बिल्कुल खत्म होती हुई दिखाई दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड थी, अभी कोई ऐसा कोई फेस्टिवल सीजन या मैरिज सीजन नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर डिमांड देखें, तो डिमांड पर जनरली हम देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस चलता है। और जिस तरीके से डॉलर जो है वो नीचे 100 का लो बना के ऊपर में 105 के आसपास आया है, वो एक अगेन एक नया एक सपोर्ट फैक्टर रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर का प्राइस नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तीसरा कि जो यूएस के डेटा आ रहे हैं और उसकी वजह से फेडरल बैंक अभी भी हॉकिश है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने बुलियंस पे रहा। तो हमने देखा कि दो या तीन जो फैक्टर हैं ये थोड़े से रोल प्ले कर रहे हैं नेगेटिवली। हालांकि अगर हम एक सपोर्ट साइड जाएं तो हमारा मानना है कि सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो यहाँ पे रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के महीने से, अगर हम इसको पिछले 2-3 सालों से देखें तो जनरली जनवरी फरवरी मार्च में हम गिरावट देखते हैं, तो वही ट्रेंड यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जो तेजी बनती है वो अप्रैल से देखने को मिलती है, तो एक ट्रेडिशनल वे पे मुझे लग रहा है कि आपको अप्रैल से अगेन एक रिबाउंड गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर हम एक तेजी बनते हुए देखेंगे। मगर फिलहाल जो सेंटिमेंट अभी है, क्योंकि फेडरल बैंक की मीटिंग भी करीबन 23 मार्च के आसपास है, तो वो जो मीटिंग रहेगी उस मीटिंग पे आगे डिसाइड होगा कि उनका क्या टारगेट है इन्फ्लेशन को लेके और इंटरेस्ट रेट को लेके, क्या स्टेटमेंट है उनकी हॉकिश है या लेस हॉकिश है, तो उसके बाद हम एक नया ट्रेंड बनते हुए देखेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि इस साल जो इंटरेस्ट रेट है यूएस के वो पीक आउट होते हुए दिखाई देंगे, अगर वो पीक आउट होते हैं तो अगेन हमें गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड को मूव ऑन होते हुए देखेंगे और मोमेंटम अगेन गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो कंटिन्यूस बनी हुई है, और मुझे लगता है कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड सिल्वर को लंबी अवधि में एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। तो अप्रैल से आप कह रहे हैं कुछ यहाँ पर रिबाउंड और रिकवरी की उम्मीद खासतौर पर बुलियन में नजर आ रही है आपको। आइए कुछ कॉलर से भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश से सतीश जी हमारे साथ हैं, नमस्कार करते हैं सतीश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मक्का का रेट क्या रहेगा मार्च तक, मक्का फसल का? मक्का का रेट मार्च तक कैसा देखते हैं आप अमित जी? मेरे को लगता है प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो फसल है वो काफी अच्छी है, तो मेरे को लगता है मार्च तक प्राइसेस में लगभग 7 से 8% का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि अगर उनके पास पोजीशन ऑलरेडी है तो ये थोड़ा सा हेजिंग बना के चले या फिर डिपॉजिट। जी बिल्कुल, तो मक्के पर आए रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एक क्विक व्यू चांदी पर अमित जी आपका मैं लेना चाह रही थी। अनुज जी से तो बात हुई कि वो अप्रैल से एक रिबाउंड देख रहे हैं कीमतों में, पर आपकी नजर में अगर बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखना चाहें इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में चांदी पर आपका क्या नजरिया रहेगा सर? चांदी में भी जैसे अगर मैं बात करूं तो ऊपरी लेवल से लगभग 9,000 पॉइंट का करेक्शन जो है इसमें देखने को मिला है। प्राइसेस मई वायदा के अभी 64,000 के आसपास है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कल का लो अगर प्राइसेस होल्ड करता है जो कि 63,200 रुपए का है, तो प्राइसेस में एक बार 66,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 66,300 के ऊपर निकलने पर प्राइसेस वापस फिर से 70,000 की तरफ जाते हुए दिखाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि 63,200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ चांदी में अभी हाल फिलहाल बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। जी आइए एक और कॉलर से बात करते हैं, सिरसा से अजय जी हमारे साथ है। नमस्कार अजय जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मैंने ना अनुज जी से सवाल पूछना जी, क्रूड ऑयल पे मेरा ना 6355 पे 2 लॉट बाय हैं जी क्रूड के। ओके, 6355 पर 2 लॉट है इनके पास, अनुज जी क्या करें ये? देखिए, हालांकि क्रूड का जो ट्रेंड है थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव है, बट मुझे लगता है कि इवनिंग में एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि ऊपर में 6,400 तक जा सकता है, तो वहां पर आप निकल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 6,400 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है जहां पर हम अगेन एक बिकवाली का ट्रेड आते हुए देखेंगे। तो हालांकि अभी आपकी जो पोजीशन है वो कॉस्ट के आसपास है, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, 6,400 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करें, यही आपकी राय आ रही है आपके लिए क्रूड पर। पंजाब से गौरव हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गौरव जी सुन पा रहे हैं सवाल? सुन पा रहे हैं? ओके, कॉटन पर आ लेना चाह रहे थे, बात हमारी हो नहीं पाई, पर एक कॉटन के फंडामेंटल्स क्या नजर आ रहे हैं आपको अमित जी? कॉटन्स के फंडामेंटल्स भी लगभग कपास के जैसे ही, मेरे को लगता है कि प्राइसेस में अभी नियर टर्म में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। प्राइसेस अभी जो कॉटन वायदे के प्राइसेस हैं
एमसीएक्स में जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है वो 63,400 के आसपास है। मेरे को लगता है प्राइसेस 62,000 के आसपास नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह इसमें कॉटन में दूंगा। ओके, कॉटन पर ये रही बिकवाली की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। जोधपुर से महेंद्र जी एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। महेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल जीरे और गौर पर है, महीने भर में आगे इसका फ्यूचर क्या रहेगा? मैम दोनों पर बताइए सटीक राय। जीरा और ग्वार, ग्वार पर। ओके, जीरे और ग्वार पर सवाल पूछ रहे हैं अनुज जी। जीरे में स्पेशली हमने देखा कि जो शुरुआती तेजी है वो कम हुई है, और 900 रुपए से दिन क्यों, अगर दिन की बात करें तो 900 रुपए फिसल का भाव 32,000 के नीचे भी फिसले हैं। और साथ ही ग्वार में आपको सर आने वाले टाइम में कैसी संभावनाएं नजर आ रही है अनुज जी? देखिए जीरा में अगर देखें तो एक रिकवरी हमने आती हुई देखी, हालांकि अभी 29,500 तक लेवल गए थे, वहां से उठकर करीबन 32,500 तक लेवल आया, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग यहां पर आती हुई दिखी है। मेरा मानना है कि यहां पर आपको लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि अगर प्राइस 31,500 के आसपास मिले तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में 32,500-33,000 तक के लेवल जीरा में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर अभी थोड़ा सा सेंटिमेंट थोड़ा वीकनेस का मुझे लग रहा है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वो ये लग रहा है कि अगर प्राइस 5,500-5,550 तक के लेवल दिखा सकता है, तो ग्वार के अंदर अभी जल्दी ना करें खरीदारी करने की। नीचे अगर प्राइस 5,550 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। करंट रेट पे या तो बिकवाली करें या फिर मेरे हिसाब से एक बार रुकना चाहिए। भावों में सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बना है, चार्ट पे स्ट्रक्चर नेगेटिव बना है, मुझे लगता है कि भाव थोड़े से नेगेटिव में आ सकते हैं, और 5,550 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा जहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल सर, जोधपुर से अरविंद जी एक और कॉलर है, उनसे जान लेते हैं सवाल। अरविंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा मैडम सवाल गोल्ड पे है। नमस्ते मैडम, ये 52,000 का स्तर देखने को मिल सकता है क्या गोल्ड में, निकट नहीं तो बाद में सितंबर वगैरह में? अमित जी क्या लगता है आपको, 52,000 तक जा सकता है क्या गोल्ड? अप्रैल वाला गोल्ड जब तक 55,000 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है इसमें तेजी बरकरार रहेगी, प्राइसेस लगभग फिर से 57,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ से स्टॉप लॉस काफी छोटा है, यहाँ से एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं, 300 पॉइंट के लगभग के आसपास का रिस्क है और आने में लगभग 2,000 पॉइंट है, लेकिन 55,000 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें जरूर एक बार 1,000 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 54,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन जब तक 55,000 के ऊपर है मैं इनको बोलूंगा कि एक बार बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करें। जी, महाराष्ट्र से हर्षल जी से भी बात कर लेते हैं। हर्षल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ मैडम, मैंने सिल्वर माइन की थी दो लॉट, हाँ 63,800 से, और गोल्ड भी मैंने बाय किया था, उसमें क्या है? सिल्वर और गोल्ड दोनों? ओ दोनों दोनों। ओके जी अनुज जी, क्या लग रहा है आपको इनके सिल्वर और गोल्ड की खरीद पर? देखिए इन्होंने जो सिल्वर 63 के आसपास करी है वो अच्छे लेवल्स हैं, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो ऊपर अगर बाउंस बैक आता है 64,000 तक तो निकल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं 64,000 पे एक रेजिस्टेंस है जहां पर हम देखेंगे कि भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे, जो कि $21 के आसपास बैठेगा। और अगर इनका लंबी अवधि के लिए व्यू है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस अगर मिलता है 64,000 तक तो वहां पे निकल जाएं। जी, रामपुर से फरहान से बात कर लेते हैं। फरहान जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल अमित चरसर से, पिछली बार इन्होंने 1,400 रुपए मेंथा ऑयल खरीद दिया था, पहला टारगेट 1,034 फिर 1,050 दोनों हिट हो गए, तो अब क्या सर जो रिवाइज कर रहा है, आज 1,061 रुपए बंद हुआ है एमसीएक्स का भाव, क्या आगे ये जो है बढ़ेगा यहाँ से या फिर कहाँ प्रॉफिट बुक कर लें क्या लग रहा? अमित जी क्या कर सकते हैं मेंथा में अब? जी मेंथा में जैसे 1061 1,061 के आसपास आज बंद हुआ, तो मेरे को लगता है ये अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, जब तक 1,072 के नीचे ये है तो यहाँ से एक बार वापस करेक्शन देखने को मिल सकता है, प्राइसेस लगभग वापस फिर से 1,040 के आसपास तक आ सकते हैं, तो मेरा इनके लिए सजेशन रहेगा कि 1,061 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक करें, और अगर 1,040 के आसपास वापस प्राइस मिलते हैं तो वहां पर फिर से खरीदारी कर सकते हैं। आइए अब कमोडिटी लाइव कॉलर शो में एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनका सवाल दिल्ली से अमरदीप हमारे साथ है। अमरदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम मैं जानना चाहूंगा WTI क्रूड ऑयल जब कि 100 डॉलर तक कब तक जा पाएगा? क्या लग रहा है अनुज जी आपको WTI क्रूड?
देखिए अभी तक तो कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है कि $100 जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है यूएस में, तो ज़्यादा तेज़ी लग नहीं रही है। अगर हम एक रेंज की बात करें पूरे साल की, तो मुझे लगता है कि $75 से लेकर $90 ये एक रेंज रहेगी जहाँ पर आपको प्राइस मूव करते हुए दिखाई देंगे। अगर $90 ब्रेक होता है तो आपको $100 देखने को मिलेगा, मगर अभी फिलहाल फंडामेंटल्स में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है जो कि इतनी बड़ी तेज़ी इंडिकेट करे। अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती है या फिर कोई शॉर्टेज सप्लाई होता है तो भावों को सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि 75 से लेकर $90 के बीच में प्राइस मूव करते हुए दिखाई देंगे। गंगानगर से संजय कुमार से भी बात कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी, मैं ग्वार पे जानना चाह रहा था एक्सपर्ट जी ने कि ग्वार का ये क्या जाने की ग्वार पर? पिचपन सौ का जो बता रहे हैं नीचेगा, तो 5500 से नीचे तो नहीं जा पाएगा ना, इतना तो फंडामेंटल मजबूत होगा जैसे केडिया जी बता रहे थे। हाँ जी अमित जी, क्या लग रहा है आपको ग्वार पर 6 महीनों का व्यू? 6 महीने के लिहाज से अगर मैं देखूं तो प्राइस मेरे को रेंज बाउंड ही नजर आते हैं। ऊपर में 6,000 से लेके 6,200 रुपए तक के लेवल, और नीचे में 5,400 से 5,500 के लेवल। अगर 6,000 6,100 की रेंज में अगर ये मिलता है तो इनको बिकवाली करनी चाहिए, और नीचे में 5,500 5,400 की रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। काफी टाइम हो गया, लगभग लगभग 3 से 4 महीने हो गए ये प्राइजेस को इसी रेंज में घूमते हुए, तो इसी रेंज के दायरे में रहकर ये इनको कारोबार करना। राजस्थान से लक्ष्य जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, हरा सर से बोल रहा हूँ, चूरू राजस्थान, हरा सर है। हाँ, क्या सवाल है आपका? ग्वार पे है मैम। अच्छा, ग्वार पे क्या जानना चाहते हैं? ये ग्वार 10,000 कब तक हो सकता है? मतलब जैसे गांव में स्टोकिया बन रहे हैं तो वो भी बेच के मतलब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, कागजों में लिख रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए? जी, अनुज जी, देखिए ग्वार में अभी अनुज सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउन साइड का है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे तो भावों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, तो 5,550 5,500 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं कि उसके नीचे भाव जाएंगे, जहां पर एक अच्छी वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले भी काफी बड़ी गिरावट हमने ग्वार में आती हुई देखी थी, करीबन 3.5% के भाव नीचे गिरे थे। तो अगर एक और डिप मिलता है 5,550 5,500 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी देखने को मिलेगी। करंट रेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच के लिए लेवल है, तो 5,550 और 5,500 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। राजस्थान से नमन से बात करते हैं। नमन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम सवाल ये है कि ग्वार 14,000 आई मीन ग्वार गम 15,000 हो जाएगा क्या? और 700 खरीदनी है तो किस भाव का इंतजार करें हम नीचे में? सरसों और ग्वारगम, अमित जी आपकी राय लेना चाहेंगे इस पर? जी सरसों में मेरे को लगता है 5,000 के आसपास, 4,900 के आसपास अगर फिजिकल मार्केट में प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि रेंज जो है काफी बड़ी नहीं रहेगी, ऊपर में 5,500 रुपए के आसपास तक का ही एक लेवल है, तो अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से लेते चले तो 5,000 5,900 का भाव जो है वो काफी अच्छा रहेगा 5,500 तक के लिए। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूँ तो ग्वारगम में भी अभी रिसेंट में चार्ट पे ऐसी कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आती है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ऊपर में 13,000 और नीचे में 11,000 ये इसका एक रेंज रहेगा अगले 2 से 3 महीने के लिए। तो 13,000 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो एक बार बिकवाली करें, और 11,000 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेंड लेके चलना। यमा जी महाराष्ट्र से, उनसे भी बात कर रहे थे। यमा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, कुणाल जी से सवाल है मेरा। चने और कपास, कपास में क्या भाव दिख रहे हैं फिलहाल, हम चना रुकी या देखी? कुणाल पास पर मैं राय, अनुज जी आपसे। देखिए चने में अगर देखें तो अराइवल का प्रेशर रहेगा, तो भावों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि 4,500 4,600 काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे जहां पर आपको चने में खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी अराइवल स्टार्ट होंगी और स्टार्ट हो भी गई है, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़े से भावों में प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट 4,500 4,600 के आसपास आपको अगेन एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो कपास में एक डाउन साइड हमें लग रहा है कि भाव आ सकते हैं नीचे। कपास हमें लग रहा है कि नीचे 1,540 1,550 तक NCDX में देखने को मिल सकते हैं, तो कपास और कॉटन में अभी फिलहाल थोड़ा सा नरमी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। यूपी से दिनेश जी से भी बात कर लेते हैं। दिनेश जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहूंगा मैडम, ये जिंक नीचे और कितना जा सकता है, और
अमित जी, जिंक और नीचे जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम एमसीएक्स जिंक पर तो 1% से ज्यादा की तेजी देख रहे हैं, बाकी जो है मेटल्स वो दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा नर्मी प्राइसेस में बने हुए हैं, मेरे को लगता है 269 के आसपास अगर मिलता है तो उनको एक बार दिवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। जब तक 271 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक प्राइसिंग में कमजोरी ही नजर आ रही है। नीचे में 262 से लेकर 258 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 271 के ऊपर निकलने पर ही प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 280 रुपए तक हो सकती है। अभी 271 के स्टॉप लॉस उनको दिवाली का ट्रेड लेके चलना। जी, गुजरात से राम जी से बात करते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ, क्या जानना चाहते हैं कॉटन से जुड़ा हुआ सवाल? हाँ मैडम, मेरा राम बोल रहा हूँ गुजरात से, मेरा कॉटन से डोल के पे सवाल है। ओके, कॉटन केक पर क्या फंडामेंटल्स देख रहे हैं आप अनुज जी? देखिए, कॉटन में लास्ट टाइम भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाव नीचे आ सकते हैं, तो वैसे ही ट्रेंड दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, और नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 2450-2400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सप्लाई जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, सरसों की सप्लाई भी है, तो उसकी कॉटन के उसकी जो केक है वो भी मार्केट में आएगी, तो फिलहाल अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो कॉटन केक में नरमी का देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि कॉटन, कॉटन सीड ऑयल केक और कपास तीनों के अंदर ही फिलहाल शॉर्ट टर्म में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक क्विक चेक नेचुरल गैस का भी ले लेते हैं। नेचुरल गैस में निचले दरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली है। क्विक व्यू अनुज जी और अमित जी, आप दोनों का। अनुज जी, क्या आपको लग रहा है नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में 200 का अच्छा से एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया और उसके ऊपर क्लोजिंग करी है, और मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि एक बार 225-230 तक के लेवल नेचुरल गैस में आ सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। इवन अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो 250 की जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन 7 रुपये की आ रही है, उसको खरीदारी करें, 3 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 12-13 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन के थ्रू 250 का कॉल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड बनाकर चलें, 225 से लेकर 230 का टारगेट देखा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए, इस शो को यही समेटने का वक्त हो गया है। धन्यवाद करेंगे अमित जी और अनुज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही।